गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का ईवीएस। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सिक्स, रीडिंग जिसकी हो गई है और हम लोग को अब एक्सरसाइज करना है, सो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। द एनिमल विच कैन रन फास्ट इज चीता, राइनो, एंट। इसका आंसर है चीता। ठीक है, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन डेजर्ट, कोल्ड रीजन, जंगल्स। इसका आंसर है कोल्ड रीजन। विच एनिमल कैन हैव अप टू 100 लेग्स, बियर, सेंटीपेड या रैबिट। इसका आंसर है सेंटीपेड। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज सम एनिमल्स हैव विंग्स, टेल्स, हॉर्न्स। इसका आंसर है हॉर्न्स। फिफ्थ का होगा, द एनिमल विच हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स इज कैमल, टाइगर या जेब्रा। इसका आंसर है जेब्रा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। एनिमल्स लाइक रैबिट एंड ग्रास हॉपर आर होपिंग एनिमल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, होपिंग एनिमल्स। सेकेंड, ए डैश यूजेज इट्स टेल टू ड्राइव अवे फ्लाइज। इसका हम लोग फिल करेंगे काऊ। ए काऊ यूजेज इट्स टेल टू ड्राइव अवे फ्लाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री है, डैश इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल। इसका आंसर हम लिखेंगे अफ्रीकन बुश एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे अफ्रीकन बुश एलिफेंट। फोर्थ, बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे बंगाल टाइगर। फिफ्थ, कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग पहले ये करेंगे, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मीन्स, ये सब एनिमल्स दे दिए हुए हैं मीन्स फीचर, और इसके कुछ दो दो एग्जांपल देने हैं। जैसे होपिंग एनिमल, होपिंग एनिमल में कौन से दो जानवर आते हैं, रैबिट, ग्रास हॉपर। ठीक है, पहले हम लोग रैबिट लिखेंगे फिर ग्रास हॉपर लिखेंगे। एनिमल फाउंड इन जंगल, जंगल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो फर्स्ट लॉयन लिखेंगे, सेकेंड बियर लिखेंगे। एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज, ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं, तो पहला मंकी, सेकेंड स्क्वेरल। ठीक है, एनिमल्स केप्ट एट होम, ऐसे जानवर जो घर पे भी रखे जाते हैं, घर पे रखे जाते हैं, फर्स्ट काउ, सेकेंड डॉग। ठीक है, एनिमल्स हैविंग हॉर्न्स, हॉर्न्स किसके पास होते हैं, ऐसे जानवर, काउ पहला, सेकेंड बुफेलो। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लोग पहले कॉपी लेंगे अपने ईवीएस की नोटबुक। ठीक है, फिर चैप्टर लिखेंगे ऊपर, चैप्टर सिक्स। द फ्रेंड्स हु सरप्राइज अस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, नेम टू एनिमल्स, नेम टू एनिमल्स। फर्स्ट दिया हुआ है विच मूव फास्ट, विच मूव फास्ट। तो इसका आंसर हम लोग पहले लिखेंगे चीता और डियर। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है विच मूव स्लोली, इसका आंसर हम लिखेंगे बियर, और सेकेंड में लिखेंगे स्लोथ। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, हाउ इज द टेल यूजफुल यूजफुल टू डिफरेंट
एनिमल्स? इसका आंसर लिखेंगे टेल इज यूजफुल टू डिफरेंट एनिमल्स बिकॉज दे यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। Like a cow uses its tail to drive away flies, kangaroo kangaroo help it to jump monkey uses its tail to swing on branches or trees etc। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखेंगे। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ सील? व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ए सील? इसका आंसर लिखेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ ए सील। फर्स्ट लिखेंगे they are quite intelligent and can be trained by people। second likhenge they have a heavy body। third लिखेंगे they live both on land and in water। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। विच एनिमल कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच? इसका आंसर लिखेंगे कंगारू कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच। क्वेश्चन नंबर 5।
what do we learn from animals? इसका we learn from animals how to live a peaceful and happy लाइफ टुगेदर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में लिखेंगे एवीएस के। ठीक है।